नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्त, इस समय की एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्त, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यूपी डीएलएड एडमिशन 2021 के लिए एज लिमिट क्या है? जी हाँ दोस्त, आपके मन में एक सवाल था। देखिए दोस्त, आपको बता दें, अभी तक एज लिमिट को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही थी वेबसाइट में, लेकिन उसको सही कर दिया गया है। और आपको दोस्त अब बताना चाहेंगे कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों जो मिनिमम एज लिमिट है वो 2/7/2003 तक है। अगर दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/2003 तक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका जन्म इसके बाद हुआ, मान लेते दोस्तों अगर आपका जन्म 3 जुलाई 2003 को हुआ है, तब आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। तो गाइस, अभी हम आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और देखिए, आपके मन में एक और सवाल था, क्या जनरल कैटेगरी के छात्रों का 45% ग्रेजुएशन में होने पर एडमिशन मिलेगा या नहीं? तो उसको भी दोस्तों हम आपको बताएंगे, स्कॉलरशिप आती है या नहीं वो भी आपको बताएंगे। और देखिए दोस्त, हमने आपसे कहा था अगर कोई भी विज्ञापन निकलता है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बातें लिखी होती है, तो गाइस उसको बदला नहीं जा सकता, तो उसको भी दोस्तों हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर यही लिखा था, अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2021 तक 18 साल हो जाती है तो आप आवेदन के पात्र होंगे। लेकिन आपको दोस्तों बता दें, जो वेबसाइट की दिक्कत थी ना, वो दोस्तों 1 जुलाई 2020 तक काउंट कर रहा था, ठीक है, 1 साल का दोस्तों डिफरेंस बता रहा था, जिसके कारण काफी बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे थे, जो कि दोस्तों वेबसाइट की बहुत ही बड़ी खामी थी। लेकिन उसको दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल और आप सभी छात्रों के प्रयास से इसको सही करा दिया गया है। अभी दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों एक बच्चे ने देखिए इसके लिए पूरा अप्लीकेशन भी लिखा था। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी को उन्होंने मेल भी किया, जिसके बाद से दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी आपके सामने निकल कर आई। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रयासों की जीत हुई है, ठीक है। देखिए बच्चे अगर प्रयास करेंगे तो उसका जीत होना तय है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपको दिखाते हैं कि वेबसाइट पर अब कैसे एज लिमिट सही हो गई है। चलिए पहले इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री जी की फोटो योगी आदित्यनाथ जी की है। यहाँ पर दोस्तों नीचे देखिए श्री सती द्विवेदी जी शिक्षा मंत्री जी हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए हमारे राज्यपाल जी, ठीक है। चलिए हम पहले डीएलएड का प्रोसेस देख रहे थे, तो जैसे ही दोस्तों डीएलएड एडमिशन में क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। इसको दोस्तों हम ओपन करेंगे, देखिए पहले गाइडलाइंस को दोस्तों हमें यहाँ पर देखना जरूरी है। जैसे ही दोस्तों इसको हम ओपन करेंगे गाइडलाइंस, तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग आयु को लेकर एक बात लिखी है कि जिन बच्चों का भैया एज 1 जुलाई 2021 तक 18 साल हो जाती है, वो बच्चे आवेदन के पात्र होंगे। और दोस्तों अधिकतम एज 35 साल दी गई है, लेकिन 5 साल की दोस्तों अतिरिक्त छूट है। लेकिन आपको बता दें, मिनिमम एज में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है, ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद दोस्तों चलिए आवेदन करके हम जरा चेक भी करते हैं एज लिमिट को लेकर, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट खोल ले, पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको डिटेल्स आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है। जो भी दोस्तों आपका नाम होगा आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो हम आपके सामने दोस्तों डेमो ही दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों नाम हो गया, ठीक है। इसको खाली हम आपको डेमो दे रहे हैं, लेकिन जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा तो सही तरीके से करिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, मिनिमम एज हो गई है अब 2 जुलाई 2003 तक, तो 02/07/2003 दोस्तों यहाँ पर अगर हम फीट करेंगे तो ये एज दोस्तों ले लेगा। कैटेगरी मान लेते जनरल डाल देते हैं, सब कैटेगरी NA कर दीजिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप के छात्र हैं दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का और कोटा चाहिए, फ्रीडम फाइटर का, एक्स आर्मी सर्विस मैन, तो इसको आप डालेंगे, ठीक है, नहीं तो नॉट अवेलेबल, ठीक है। जेंडर में दोस्तों अगर आप मेल हो तो मेल, नहीं तो फीमेल है तो फीमेल। वेबसाइट मतलब आपको ईमेल आईडी यहाँ पर देना है DLEDRESULT@gmail.com। इसको स्मॉल में लिखा करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों, ईमेल आईडी DLEDRESULT@gmail.com, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना रहता है, तो हमारा मोबाइल नंबर है 8738079216, 8738079216। कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें मैसेज, ठीक है। कॉल नहीं लगती दोस्तों, आपको पहले बता दें, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे। कॉलेज नाम हो गया दोस्तों, पासिंग ईयर अगर आपको 2021 है तो 2021, बाकी जो भी आपका रोल नंबर है वो डाल देंगे। मार्कशीट नंबर है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप सिंपल सा NA कर देंगे, नॉट अवेलेबल। टोटल नंबर दोस्तों मान लेते 100 नंबर का पेपर था, 50 नंबर आप पा गए, तो आपका रिजल्ट कितना हो गया, 50%, ठीक है। जनरल में आपको बता दें 50 से कम में तो ले गए नहीं। पहले दोस्तों हमने क्या देखा, मिनिमम एज डाला 2 जुलाई 2003, क्या दोस्त ये लेता है, जरा कैप्चा को हम चेक कर लेंगे डाल के, ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। और दोस्त यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा, तो मतलब ये ले ले रहा।
अगर दोस्त हम इसी तारीख में थोड़ा सा बदलाव करें, अगर हम यहाँ पर 2 जुलाई को बदल के हम क्या करेंगे, 3 तारीख करके देखेंगे, ठीक है, 3/07/2003। अब दोस्त ये लेता है कि नहीं, अब इसको भी हम जरा चेक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, NEQIMQ, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। और दोस्त यहाँ पर आप देख के लिख क्या रहा, यू आर नॉट अलाउड टू फिल द फॉर्म, मतलब दोस्त यहाँ पर अब एज में दिक्कत आ गई है, मतलब एक दिन का फर्क है दोस्तों। अगर किसी बच्चे की एज 3 जुलाई 2003 होगी तो इस बार DELED के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मिनिमम एज दोस्तों आप समझ गए कितनी है, 2 जुलाई 2003। उसके बाद दोस्तों चलिए एक और चीज देख लेते हैं कि क्या मतलब जनरल कैटेगरी के छात्र 45% पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, 45% कर देते, देखिए परसेंटेज यहाँ लिख के आ रहा 45, ठीक है ना, यहाँ लास्ट में देखिए परसेंटेज मार्क्स लिखा रहता है। अब इस कैप्चा को हम फिल करेंगे, PAH फिर HBP, ठीक है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए दो चीजें लिख के आता है, यू आर नॉट अलाउड टू फिल द फॉर्म। देखिए दोस्तों क्या दिक्कत हो सकती है, या तो आपके डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है या तो ग्रेजुएशन परसेंटेज में दिक्कत है, ठीक है ना, ये चीज। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपकी सब कैटेगरी में मतलब कोई दिक्कत है, अगर आपको सुनने में या कुछ और दिक्कत आती है, तो दोस्तों क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा इसका, जरा इसको हम देख लेते हैं। मतलब फिजिकल हैंडीकैप एक तरह से हम कह रहे हैं, जो कि दोस्तों कोटा दिया गया है। तो देखिए उसके बाद दोस्तों आप आवेदन के पात्र हो जाते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी के नॉर्मल बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आपके साथ दोस्तों सब कैटेगरी में कुछ आप आता है, अगर मान लेते हैं आप फ्रीडम फाइटर भी हैं, ठीक है, उसके घर से भी आते हैं, तो भी दोस्तों हो सकता है कि आपको मौका मिले। जैसे अभी हम आपके सामने लाइव चेक करके बता रहे हैं QSM, ये बार बार दोस्तों ये थोड़ा डालना पड़ता है कैप्चर ना चेक करने के लिए। तो देखिए दोस्तों फ्रीडम फाइटर को भी यहाँ पर फायदा मिल गया। एक बात और, अब क्या दोस्तों EWS कोटे को फायदा मिलता है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को, ठीक है। देखिए यहाँ सभी बच्चे तो फ्रीडम फाइटर के घर से होंगे नहीं, EWS हम सिंपली चेक कर लेते हैं 45% पर, क्या इसको मिलेगा, ठीक है, आपके मन में जो सवाल है, DPMN हो गया, जे हो गया और एफ हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि EWS मतलब इकोनॉमी वीकर सेक्शन को फायदा नहीं मिला। अगर हम इकोनॉमी को चेंज करके OBC कर दें, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास कर दें, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको भी दिखेगा कि मौका मिलता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर OBC कैटेगरी के छात्रों को फायदा इसका मिल रहा है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं या मतलब EWS, तो आपको दोस्तों 45% पर एडमिशन नहीं मिलेगा। आपके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर जो लिखा है, वो ग्रेजुएशन में दोस्तों आपका कितना होना चाहिए, कम से कम आपका 50% होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग OBC कैटेगरी के छात्र हैं, SC हैं, ST हैं, या फिजिकल हैंडीकैप हैं, या फ्रीडम फाइटर हैं, दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, या भूतपूर्व सैनिक खुद का मतलब स्वयं है आप, तो आपको 45% पर भी एडमिशन मिलेगा। ग्रेजुएशन की बात हो रही है, एज लिमिट भी आपने देख लिया, तो ये दोस्तों पूरा मैटर है। तो यहाँ यहाँ दोस्तों आपका डाउट था, तो उम्मीद करते हैं वो सब क्लियर हो गया होगा। कुछ और बातें दोस्तों जरा इस वीडियो में हम और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका एक और सवाल था कि सरकारी कॉलेज के लिए दोस्तों क्या होगा, और दोस्तों आपको बताते सरकारी कॉलेज पाना आसान था, लेकिन दोस्तों जब एज लिमिट में चेंजेस आ गया ना, तो फिर से ये एक तरह से मुश्किल हो गया है, इस बात का जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब गाइस कॉम्पिटिशन आपके लिए बढ़ जाएगा, और देखिए दोस्तों कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, फाइनल कट ऑफ जाएगी, OBC के लिए क्या जा सकती है, SC के लिए क्या जा सकती है, ST के लिए और फिजिकल हैंडीकैप। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, हर एक कॉलेज में हर एक कैटेगरी के बच्चों का अलग अलग कोटा होता है, ठीक है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, वहां पर दोस्तों सभी बच्चों का कोटा है। चाहे वो बच्चे OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए अलग से कोटा है, SC के लिए अलग से, ST के लिए अलग से, फिजिकल हैंडीकैप अलग से। तो दोस्तों आपको बताएंगे 2021 के लिए जो आपका भैया मिनिमम, ठीक है, 2021 के लिए मतलब जो आपका मिनिमम कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी के लिए 230 में, तो देखिए उससे कम में तो बात बनने मुश्किल होती है। 230 से लेकर 240 प्लस तक आपका सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। उसके बाद दोस्तों OBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर कम से कम नहीं तो 225 से लेकर 200 235 प्लस, ठीक है, कभी कभी 240 प्लस पर भी। SC में दोस्तों यहाँ थोड़ी सी कम हो जाती है, ये 215 से दोस्तों लेके 230 प्लस पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए। ST में दोस्तों 200 प्लस पर ही सरकारी कॉलेज, फिजिकल हैंडीकैप में भी 200 प्लस पर सरकारी कॉलेज है, या इससे कम में भी सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो गया कि आपको कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और एक बात और आपको बताते, अगर आप यूपी का आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, याद रखिएगा।
ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। तो गाइस याद रखिए, एडमिशन के समय आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, और देखिए आपने जहां से ग्रेजुएशन कर रखा है वहां से दोस्तों टीसी भी मांगी जाएगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसका भी जरा ध्यान रखिएगा। तो कॉलेज से आपको टीसी भी लेना पड़ सकता है। और आपको बता दें ग्रेजुएशन का देखिए दोस्तों फाइनल या डिग्री तो आती है नहीं, तो आपको माइग्रेशन बनवाना पड़ेगा, ठीक है, वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे अलग से, उसके लिए वीडियो भी हम बनाएंगे। आपका सवाल था कि स्कॉलरशिप आ जाती है या नहीं। देखिए गाइस, जब से 2 साल से कोरोना चल रहा है ना, तब से स्कॉलरशिप में देखिए थोड़ी सी दिक्कत है। आपको पहले हम बिल्कुल सही बताते खबर, कोई भी दोस्त यहाँ से खबर आपको झूठ के नहीं दी जाती, पहले स्कॉलरशिप ठीक ठाक आ जाती थी। देखिए आपको फिर से बता देते फीस का क्या मैटर है। अगर आप सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया तो आपको दोस्तों 1 साल का जो पैसा देना पड़ेगा वो होगा आपका 10,200 रुपये। अगर आप दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख करेंगे तो आपको 1 साल का 41,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकारी कॉलेज में दोस्तों 10,200, प्राइवेट का 41। लेकिन जब पहले स्कॉलरशिप आती थी तो आपको बता दें प्राइवेट की भी कभी कभी पूरा का पूरा आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, 41 का 41,000 पूरा। लेकिन पिछले सालों कुछ सालों में दोस्तों इस समय स्कॉलरशिप नहीं आ रही। इस बार दोस्तों 2021 में जो अभी इस बार स्कॉलरशिप आई है पिछले बैच के छात्रों की, वो सबसे खराब स्कॉलरशिप थी। बहुत से छात्रों की स्कॉलरशिप में तो भैया 1 रुपया भी नहीं आया है, कुछ बच्चों में पैसा आया लेकिन बहुत ही कम बच्चों में पैसा आया है। तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, अभी हालात ठीक नहीं है स्कॉलरशिप को लेकर, ठीक है। नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि सर जी आपने बताया नहीं। तो स्कॉलरशिप को लेकर दोस्तों स्थिति अभी ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस समय चुनाव का माहौल रहे, जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा अगले साल मतलब 2022 में, आपको पता है ना कि चुनाव है, तो हो सकता है कि उसका फायदा आपको मिले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए एज लिमिट को लेकर आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, सरकारी कॉलेज पाना आसान है, उसका रीजन हम आपको बता दें। देखिए फाइनल ईयर के छात्र आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन आपको बता दें फाइनल ईयर वाले छात्र जरा सुन लीजिए ध्यान से, अगर अभी तक दोस्तों आपका पेपर नहीं हुआ, देखिए आपको जो रोल नंबर फिल करना होगा वो अपने आपको फाइनल ईयर का करना है, फर्स्ट ईयर का रोल नंबर मत फिल करिएगा। या देखिए कुछ कॉलेज होता है जहां पर हर बार एक ही रोल नंबर चलता तो उनके लिए तो चलिए चल जाता, लेकिन अगर आपका फर्स्ट ईयर में अलग रोल नंबर था, सेकेंड ईयर में अलग था, थर्ड में अलग है, फाइनल में मतलब, तो फाइनल वाला रोल नंबर आपको फिल करना है। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिन बच्चों का अभी तक ना पेपर हुआ ना रिजल्ट आया, सबसे पहले दोस्तों आपको एक काम करना, अगर आप फाइनल ईयर के छात्र हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी साल डीएलएड में एडमिशन लेना है, कुछ नहीं करेंगे आप, सबसे पहले आपके घर के पास जो भी प्राइवेट कॉलेज होगा डीएलएड का, ठीक है, जहां से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपका फाइनल ईयर का पेपर का रिजल्ट नहीं आएगा तब दोस्तों आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि दोस्तों जब आप आवेदन करते हैं तो सबसे पहले ही आपका ग्रेजुएशन का सारी डिटेल्स मांगी जाती है, अगर आपने डिटेल्स गलत भरा जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो दोस्तों वहां से आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि गलत डिटेल के साथ आप सरकारी कॉलेज तो नहीं पा पाएंगे। अगर आप इस साल ही डीएलएड करना चाहते हैं तो गाइस आपको प्राइवेट ही करना पड़ेगा। अगर आपकी भैया मेरिट अच्छी आ रही, जैसे अगर हम मान लेते दोस्तों आपकी मेरिट 240+ चल रही है, 240 से ऊपर है, या 240 या 235, ठीक है, अगर 235 से लेके दोस्तों ठीक है 240+ में, तो आप अगले साल का भी इंतजार कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। क्या आपका मन है कि नहीं हमें सरकारी कॉलेज ही लेना है, प्राइवेट नहीं लेना है, लेकिन आपसे कहेंगे यार 1 साल का इंतजार ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फिर आप 1 साल पीछे होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं ध्यान में रखिएगा। फाइनल ईयर के छात्र बिना मतलब कॉलेज से पूछे डायरेक्ट आप ऐसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज वाले दिक्कत कर सकते हैं क्योंकि आपको सरकारी मिल नहीं पाएगा क्योंकि आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है। और आपको दोस्तों बता दें डीएलएड में जो एडमिशन का प्रोसेस है गाइस वो मेरिट के बेस पर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भैया हाई स्कूल में अगर आप गलत परसेंटेज डालेंगे तब भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। नंबर नंबर आपको डालने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों आपका हाई स्कूल में 75% बन रहा है, आप गलती से दोस्तों आपने 80% डाल दिया, तो आपने 5% एक्स्ट्रा मेरिट लिख ली ना, जो कि दोस्तों गलत होगा। सीधे आपका आवेदन मतलब आपका जो भी कॉलेज मिलेगा उसको निरस्त कर दिया जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। देखिए आपका एडमिशन होगा उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन यही होता है कि आपको जो सरकारी कॉलेज मिल सकता था वो नहीं मिल पाएगा। तो एक नंबर भी अगर आप गलती से ज्यादा लिख देंगे तो दोस्तों सिंपल सी बात है आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, लेकिन हाँ अगर आप 1 नंबर या 10 नंबर कम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, आपका जो भी डाउट हो आप हमारे साथ शेयर करिए। बाकी जनरल का आपने देख लिया कितने परसेंट पर, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों का मिनिमम 50% नंबर होना जरूरी है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।